कुछ खबरें खेल के मैदान से। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल लीग में शिरकत के लिए गैर मुल्की टीमों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। मेगा इवेंट में शिरकत करने के लिए ईरान, श्रीलंका, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान की टीमें इस्लामाबाद पहुंच गईं। अफगानिस्तान की टीम आज 10 मई को पहुंचेगी। एशियन वॉलीबॉल लीग में 6 ममालिक एक्शन में दिखाई देंगे। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल लीग की ट्रॉफी की रहनुमाई की तकरीब आज जमत और मुबारक को होगी। तमाम टीमों के कप्तान ट्रॉफी की रहनुमाई तकरीब में शिरकत करेंगे। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल लीग 11 से 17 मई तक इस्लामाबाद में खेली जाएगी। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैच पर मुश्तमिल सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल मैच आज खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 7 बजे डबलिन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। गुजशत रोज कुमी टीम का डबलिन में पहला ट्रेनिंग सेशन हुआ, जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने भरपूर हिस्सा लिया, जबकि सीरीज की ट्रॉफी की रुनवाई भी कर दी गई। दूसरी जाने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर को भी आयरलैंड का वीजा मिल गया और वो आज डबलिन के लिए रवाना होंगे। न्यूजीलैंड के जारे मिजाज ओपनिंग बल्लेबाज कुलन मिनरो ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। जारे मिजाज बैटर ने 123 इंटरनेशनल मैचेस में न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी की। उन्होंने सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि ब्लैक कैप्स के लिए खेलना मेरे कैरियर की सबसे बड़ी कामयाबी रही है। मैंने कभी भी इस जर्सी को पहनने के अलावा कुछ फख्र महसूस नहीं किया और हकीकत यह है कि मैं तमाम फॉर्मेट्स में 123 बार ऐसा करने में कामयाब रहा हूं, जिस पर मुझे हमेशा नाकाबिले यकीन हद तक फख्र रहेगा।